हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। अपना ऑफिशियल पहला व्लॉग है और ये शायद 2 साल पहले आ जाता, बट पता है ना तुमको, सीन आ ही नहीं पा रहा था तो आज उठा लिया है कैमरा भाई। अब पता नहीं, कोशिश तो पूरी रहेगी डेली व्लॉग्स की, ट्राई भी पूरा करेंगे। जितना समय निकलता है, जो होता है, आता रहेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, डालूंगा गारंटी 101%। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना भाई, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेदर देखना है, अगर आज तो देना तो उनका वेदर देख लो, बारिश हो रही है 2 दिनों से और ऊपर पड़ रही है स्नोफॉल, ठीक है। तो वहाँ तो जाने का कोई सीन नहीं है क्योंकि लास्ट पूरा वीक स्नोफॉल देखा है मैंने धनौल्टी में ही, तो आज तो मैं नहीं सोच रहा हूँ जाने की। पहले तो हम चलते हैं पेट्रोल पम्प, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है क्योंकि इसको देख रहे हो ये सीन है इसका, ब्लिंक कर रही है। और पेट्रोल पम्प भी हम जस्ट पहुँच चुके हैं, तो ज़रा मैं तेल वेल लगा लूँ एक बार और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हाँ, क्योंकि पहला ही वीडियो है चैनल पे, तो मेरा नाम है कुणाल, मैं रहता हूँ देहरादून में गाइस। और देहरादून मतलब तो समझ ही गए होंगे तुम, पहाड़ों में ही रहते हैं हम, पहाड़ी लोग, ठीक है ना। बाकी वेदर बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, स्नोफॉल हो रही है ऊपर पहाड़ों पर, और हम भी आज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो देखो कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे दिखा देंगे तुमको गारंटी, और बहुत अच्छे से दिखा देंगे, सिनेमैटिक विनेमैटिक सब डाल देगा तुम्हारा भाई, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, पसंद आए तो लाइक वाइक भी ज़रूर कर देना यार। और जिनको जो मेरे दोस्त यार देख रहे हैं देहरादून वाले, सब तुम्हें तो नहीं भी पसंद आया ना, तो जानो लाइक करके जाना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी। तो बाकी भाई लेकिन कुछ भी कहो यार, देहरादून का जो वेदर है ना, और जो यहाँ पे वेदर रहता है लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ही सही, बहुत ही सही। मतलब अब ऐसे मैं बता नहीं सकता, वो तुमको फील करना पड़ेगा देहरादून शहर में आके, तभी तो देहरादून से जाया नहीं जाता है कहीं यार। देहरादून के जितने भी है ना, इधर ही है सब, है यहाँ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बाहर भी है, बट देहरादून वाले नहीं रह पाते भाई कहीं, ये तो मैंने देख लिया है। और रह भी ले तो वही 2-4 साल 5 साल 6 साल, और कितना रह लोगे, वापस बंदा दिखता यही है। ये देखो ये वेदर चल रहा है, और कल धनौल्टी मसूरी हर जगह तुम लोग जो स्नोफॉल हो रही है ना, इतना सही हुआ पड़ा है। मेरे एक फ्रेंड है वो गए हुए, मैंने उनकी सुबह ही स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे, बहुत ही बढ़िया। इंस्टाग्राम से भाई याद आया मेरे को, अपने तुम्हारे भाई का आईडी है इंस्टाग्राम पे, यूके प्रोटोटाइप 07 ओवरलैंड, उसको जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या इधर कहीं आ भी रहा होगा अभी स्क्रीन पे, इसको चेकआउट करो जरूर जाके। क्योंकि मैं पहले इंस्टाग्राम ही ज़्यादा करता था, और ज़्यादा क्या मतलब फुल पावर, दिन भर इंस्टाग्राम ही चलता था। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला आप जितना कैमरा यूज़ करते हो आप यूट्यूब पर आओ, अपना चैनल वैलन डालो। और मेरे खुद के दिमाग में ये सब था 2 साल से भाई, 2 साल, 2 से भी ऊपर हो गया होगा अब तो, कि मैं यूट्यूब करूँगा, बट वही सीन है ना यार, नहीं हो पाता। तुम्हें कोई पता है इतना, अभी भी पता नहीं कितना हो पाएगा, मतलब मेरी कोई कोशिश तो रहेगी पूरी डेली ब्लॉग्स करने की। बाकी आप भाइयों का और सबका प्यार है, अगर प्यार बनाए रखोगे तो हाँ भाई, क्या पता ऐसा हो कि यूट्यूब ही करें फिर दिन भर, समझ रहे हो ना, तो ये सीन है। बाकी चलो अभी जा ही रहे हैं, दिखाते हैं, ये अपना मंडी आ गया, मंडी ओम साई राम, मंडी का मैं साई राम बने, सीन ये है भाई, हम पहुंच चुके हैं चिड़ियापुर। चिड़ियापुर इज़ आफ्टर हरिद्वार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी हरिद्वार साइड, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, उतरना कहीं मन नहीं कर रहा था गाड़ी के ऊपर, तो हम पहुंच चुके हैं चिड़ियापुर। तो चिड़ियापुर से अब हम जा रहे हैं भाई लैंसडाउन। लैंसडाउन उत्तराखंड में ही है, और मैं भी कभी गया नहीं हूँ लैंसडाउन पहले यार, तो मेरा खुद का पहली बार है। तो लेट्स सी क्या सीन है, क्या होता है जाके। वैसे स्नोफॉल हो रही है धनौल्टी में, बट स्नो बहुत देख लिया लास्ट वीक, तो मूवी बाजी है खड़ी है अपनी पुष्पा राज, चाय वाय चल रहे हैं,
भाई आज का वेदर इतना सही हो रहा है ना, इतना बेहतरीन। हल्की हल्की बारिश, अभी तो खैर बहुत तेज़ थी बट अब हो गई है हल्की। सोचा था मैं रास्ते का व्लॉग व्लूग बनाऊंगा कुछ, लेकिन इतनी बारिश हो रही है ना भाई, इतनी बारिश कि कुछ व्लॉग व्लॉग बनाना कोई कुछ पॉसिबल नहीं है। ये देखो, मैंने तो अभी कुछ खाने के लिए दिया था, तो ये पूरी फौज यहाँ पे आ चुकी है। मैं अंदर चला जाता हूँ, अरे व्यू देख रहे हो भाई, तो वो पता नहीं क्या है, वो कुछ चल रहा है इसलिए। ये पूरी फौज बैठी है यहाँ पे, कंटिन्यूस बारिश हो रही है सुबह से, कंटिन्यूस। तो मैं भी अंदर जा रहा हूँ, मेरे को बीमार तो नहीं है भाई। ये देख रहे हो क्या व्यू शानदार। अरे सब मैं फोन से व्लॉग करता हूँ ना, इसलिए शायद ज्यादा भी क्लियरिटी ना आए, जूम्ड पिक्चर्स में। बाकी तो अपना कैमरा सही है। और एक लिखा है, सावधान कृपया मोड़ों पर ओवरटेक ना करें। लेकिन समझते कहाँ हैं लोग समझते नहीं है ना बहुत। एक पार्ट आया ना अभी रोड का, एक पार्ट सिर्फ, और वो मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। और वो इतना भयानक था, इतना भयानक गंदा था, वो गाड़ी की हालत देख लीजिए। ये साफ सुथरी गाड़ी आई थी घर से। चलो ये सब छोड़ो भाई, फिलहाल तो ये देख लो एक बार। क्रिस्टल की एयर पानी है, क्रिस्टल की एयर। और ये अभी हम निकल रहे हैं लैंसडाउन वाली रोड से होते हुए, और उसके बाद ये देखोगे, ये देखो ऐसा कुछ। ये टेंट है भाई जहाँ रुके हैं अपन। तो क्या हाल है गाइस, अपन पहुँच चुके हैं लैंसडाउन और ये हमारा रिजॉर्ट है, कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये रात का समय है, जितना दिख रहा है देख लो। बाकी बहुत ठंड हो रही है भाई, सुबह से बारिश हो रही है। रूम टूर अगर चाहिए तो मैं रूम टूर भी दे देता हूँ। ये अपना रूम नहीं है वैसे एक्चुअली में, ये टेंट है जो आजकल ग्लैम्पिंग टेंट टाइप के चल रहे हैं वो है ये। और ये तुम्हारा भाई बहुत ही ठंड में, यार कैसी आ रही है फ्लैश में। चलो कोई नहीं, ये अपना हीटर चल रहा है यहाँ क्योंकि बहुत ठंड है ब्रो। ये इतना ही है बस, ये बेड एरिया है, वो वॉशरूम है इसके साथ, एंड यहाँ पे अपना थोड़ा लॉबी टाइप का है। रात में तो क्या ही दिखेगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश हो रही है कल से कंटिन्यू। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी लेट पहुँचे यार, ट्रैफिक व्राफिक भी बहुत था। बाकी अब जगह तो सुबह ही दिखाएंगे तुमको, और सुबह ही मिलते हैं। रात में क्या ही ब्लॉग करेंगे, क्या ही ठंड में कांपने वाले काम है। तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके भाई। सारी रात बारिश हुई है कल, सारी रात, लेकिन सही था भाई, मज़ा आया। बाकी तुमको दिखाता हूँ, अभी उठ तो गए हैं हम फुल पावर से। क्या नज़ारे हैं बाहर, क्या नज़ारे हैं। अरे यार ये तो गीला पड़ा है, जूते नहीं पहने मैंने। वाह 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 वाह,
तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है जो रात को तुम लोगों को दिख नहीं रहा था, और अभी बाहर का आगे का भी दिखाएंगे। ये नीचे ना तो गीला हुआ पड़ा है सब, और अपन ने स्लीपर शूज कुछ नहीं पहने भाई। शांति देख रहे हो जगह में, मतलब अलग भाई अलग, बहुत अच्छी जगह है। लैंसडाउन भी देहरादून वाले सिर्फ ऋषिकेश मसूरी हरिद्वार की लेके मत रखा करो, ठीक है? ये लैंसडाउन भी काफ़ी अच्छी जगह है। तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, अब देखते हैं लैंसडाउन घूमा जाएगा आज। अब देखते हैं लैंसडाउन में कौन कौन सी जगह क्या है वो घूम लेते हैं। बाकी ये तो बहुत बढ़िया है भाई, जगह बहुत बढ़िया है। इसे देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो तो मतलब एक ही नंबर है। और ये पूरा लैंसडाउन ऐसा है, पूरे यहाँ पे यही पाइन ट्रीज हैं, यहाँ पाइन ट्रीज हैं, बहुत ही लाजवाब। स्नोफॉल यहाँ पे होती नहीं है, कम होती है लैंसडाउन में, लेकिन जब होती है ना बहुत ज़ोरदार लगता है। ये पूरे पाइन ट्रीज जो है ना सब कवर हो जाता है वाइट स्नो में, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी कल रात तो तुम्हें बताइए गलत हो गया था सीन, बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश। आज सुबह बढ़िया लग रहा है सीन, और ये और भी यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं जैसा मैंने दिया हुआ है ना, ये देखो सेम वैसे ही, ये भी अच्छे है, अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, ये बढ़िया है। बाकी देखो अब बाहर चलते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता करा जाए, और बाहर चलने के बाद तुमको बाहर दिखा दें बढ़िया बढ़िया नज़ारे, मतलब एक नंबर। अपनी प्रॉपर्टी है पीछे, समसारा करके कुछ नाम है इसका, समसारा संस्कारा, बहुत ही ज़ोरदार। और मेन सीन लैंसडाउन में ये सीन ही पाइन ट्रीज का है ब्रो, ये पाइन ट्रीज इतने सही लगते हैं ना, इतने सही। और यहाँ से थोड़ा नीचे जाके मेरे को ये भैया बता रहे थे रिजॉर्ट वाले, वो प्लेस है वो क्लाउड्स, जिसके वजह से इसका नाम लैंसडाउन है। लैंसडाउन इसका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ से लैंड और ये सब नीचे दिखता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा हाइट पर लैंसडाउन, तो पूरे क्लाउड व्लाउड जितने जो सब रहता है ना सब नीचे और ऊपर ये सब। तो चलो भी वो भी देखते हैं, बहुत ही ज़ोरदार है। बाकी ये भी एक बार देख लो कितनी बढ़िया हवा चल रही है यहाँ। और ये वो सेटअप का फ्रंट है, और जहाँ मैं अभी आपको पीछे का दिखा रहा था ना वो इस सेटअप का बैक है। तो मुझे तो ये भाई बिल्कुल ओके पास है, ये बहुत ही बढ़िया जगह है। बाकी इनके नॉर्मल रूम वूम भी है, वो सब इधर है। और ये देखो ये कौन बैठा है। हाँ जी व्हाट्सअप, किद्दा वा संवाद चल रहा है, क्या नाम है? अरे 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 सरेंडर, पूरा सरेंडर, सही है लगे रहो। बाकी धीरे धीरे इस चैनल में सब बताता रहूँगा भाई, बहुत कुछ है बताने के लिए। यहाँ भी मैं अकेला नहीं आया हूँ वैसे, साथ में है अपने, बट करेंगे धीरे धीरे रिवील करेंगे। क्या जल्दी है भाई, पहला व्लॉग है, देख लो थोड़ा, समझ रहे हो ना, आराम से, सब कुछ नहीं बताए थे पहले दिन। हाँ जी भैया लगे जाना रूम में ले लो। तो भाई ये सीन है, बाकी ये है फायर प्लेस, फायर पिट, यहाँ फायर वायर लगाते हैं भाई लोग। चलो बाहर चलते हैं, बाहर ही मिलेंगे अब यार। देख तो ली तुमने प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब कुछ देख लिया, देख लो एक आधी बार और ये लगेज लेने जा रहा भाई। बस यही है जो है 360 देख लो इसका। चलो बाय, बाहर मिलते हैं भाई। ये खड़ी है अपनी पुष्पा, पुष्पा राज झुकती नहीं अभी। हाँ जी, अरे अरे भैया आराम से, फिसल रहा है वो, क्या बात है। केड़ी शेरी पे चलिए ना, भाई ये देख लो एक बार तुम्हारे भाई को क्या मिला है। असली ऑफ रोडर ये है, जितने भी ऑफ रोडिंग वाले हैं ना अपने साथ दे रहा हूँ, जितने भी ऑफ रोडिंग वाले भाई सब आ जा रहा है, सब जितने हो, सब जितने हो, जौन सी गाड़ी है सब आ जा रहा, सब जितने भी हो। टायर साइज देखो भाई एक बार, टायर साइज देखो, फक क्रेजी, मैं लिटरली क्रेजी हो गया था भाई चीज को देख के, इतनी ठंड हो रही है ना बाहर। और ये देख रहे हो फिर
बहुत अमेजिंग भाई, बहुत अमेजिंग। और ये एक मेन रोड है जो लैंसडाउन के है ना, ये मेन एक रोड है जो नीचे लैंसडाउन चौक से आती है, जाती है सीधा ऊपर टिपन टॉप और चर्च वर्च हैं, दो चार बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहीं जा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तो ये रोड भी फास्ट डन, एक नंबर, बहुत ही ज़ोरदार। और बहुत देख रहे हो, ध्यान से देखो एक बार, मैं बहुत, मेरे को तो बहुत अमेजिंग प्लेस लगी लैंसडाउन। और ये पूरा गढ़वाल राइफल की जगह है, यहाँ पे पूरा बेस गढ़वाल राइफल। Here we are guys at St. John's Church in just 3, 2, 1। यार बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, तो हैरी पॉटर वाइब्स हैं पूरी। यह है भाई लैंसडाउन का सेंट जॉन चर्च। अब देखते हैं अंदर खुला है या बंद है या क्या सीन है यहाँ का। रिमूव योर शूज, मेंटेन साइलेंस, स्विच ऑफ मोबाइल। भाई यहाँ फ़ोन ऑफ करना है तो अपन बंद कर रहे हैं। तो भाई यहाँ लिखा था रिमूव योर शूज, स्विच ऑफ योर मोबाइल, सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन ये दरवाज़ा तो लॉक है, देख रहो। ओके जीजस, अगर आप हमें अपने कैमरे में देख रहे हो तो बाय बाय। जीजस मिले नहीं हमसे, कह रहे तुम रहने दो भाई, तुम जय श्री राम बोलो अपना और निकलो सीधे। यहाँ पे घर है किसी का, लेकिन लग कुछ भी रहा भाई, कुछ भी बोल, लग बहुत बढ़िया रहा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक ना वाइब है पुराने से अच्छे चर्च की, जो वाइब होती है ना, अमेजिंग। और ये देख लो भाई, जिन्होंने देखा नहीं थी वो राज मूवी नहीं देखी, जिन्होंने जो 90s के किड ना होना यहाँ, वह तो 90s के तो बहुत बात की पिक्चर है, वो सब ने देखी होगी। बट चिल देख लो, राज मूवी यहीं शूट हुई थी, वो चील आ गया यहाँ सुटता हुआ। ये कुछ नज़ारे मेरे भाई लैंसडाउन के, एक नंबर। बाकी तुम लोग बताना कैसा चल रहा है, कैसी लग रही है वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब करो। बताओ अपने भाई को क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। पहला व्लॉग है और कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो माफ़ कर देना भाई। बाकी चलो मिलता है फिर अभी तुम लोग से आगे जाके, ये भी चेकआउट कर लो भाई। ये दूसरा चर्च है, नीचे वाला था सेंट जॉन्स, यस। और इस वाले का नाम यहाँ कहीं लिखा नहीं है यार, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं। और ये भी बहुत अच्छा है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। भाई आओ लैंसडाउन, पक्का आओ यार, इतना तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। लैंसडाउन प्लीज़ आना, बहुत अच्छी जगह है लैंसडाउन, परफेक्ट वेदर हो रहा है, अमेजिंग। तो ये है भाई ये चर्च, इसका नाम कहीं मेंशन नहीं है यार। तो भाई हमारे साथ ना सीन हो गया, हम आए थे टिपन टॉप घूमने, एक कोई व्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये है टिपन टॉप, यहाँ पे रिजॉर्ट भी है और वहाँ से व्यू दिखता है बहुत अच्छा, बहुत ज़ोरदार। लेकिन ये भैया मिले में आए, भैया कह रहे हैं व्यू तो दिख जाएगा, कह रहा है अगर तुम्हें दिख सके तो ऐसा हो रहा व्यू।
समझ रहे हो, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है टिप एंड टॉप, पैदल का रास्ता है। पैदल जाने का वहाँ से पूरा व्यू व्यू कुछ दिखता है, बट आज इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि देख रहे हो तुम ये पूरे क्लाउड्स और फॉग है, ये सब आ चुका है इस जगह पर। तो कोई चक्कर नहीं, नीचे चलते हैं, नीचे भी बतेरा कुछ है। ये मेन टिप एंड टॉप वाला एरिया है, अगर कभी आना हो तो देख लेना। यहाँ से तुम लोग आओगे नीचे से, यहाँ पर आके तुम्हारी गाड़ी लग जाएगी, वो गेट है टिप एंड टॉप का, वहाँ से सीधे निकल जाओ, बस इतना सीन है। चलो फिर लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। कोई फ़ायदा नहीं है वो यहाँ, क्योंकि जब जाके व्यू नहीं दिखना तो फ़ायदा क्या होता है। जाकर ठंडी सड़क, तो ठंडी सड़क का ये सीन है ब्रो। सेंट मेरी चर्च, हाँ वो सेंट मेरी चर्च था दूसरा वाला, एंड द फर्स्ट वन वाज सेंट जोन्स। ये देख लो भाई, अभी इस पे यहीं से उड़ के सीधे देहरादून। ये है शायद MiG-21 का डेमो, अमेजिंग लग रहा है। और यह मेन लैंसडाउन चौक, यहीं से ये रास्ता ऊपर टिप एंड टॉप जा रहा है। चलिए फिर बड़े, दिखा दिया आगे रास्ता, आपसे दिखा दे नीचे कुछ इंटरेस्टिंग देखता है तो रुकेंगे, नहीं तो देहरादून में मिलता है सीधा। भाई इस रोड का सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर पार्ट जो मेरे को लगा लाइक पर्सनली, क्योंकि मेरे को पाइन ट्रीज ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कसौल जाओ, कसौल से जो छलाल का ट्रैक है पुराने वाला, वहाँ भी पूरा ऐसा ही है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे थोड़ी वाइब्स तो हैं, कसौल वसौल हिमाचल जैसा लग रहा है ये, बट इट्स नॉट हिमाचल। खाली सड़क पे भी इतना हॉरर मार रहा है भाई, देख रहे हो भाई को। ये देखो भाई, बहुत ही अमेजिंग लाइक। और ये पूरा ये ऊपर से भी ऐसे आ रहे हैं नीचे तक, यहाँ पे भी यही है रोड पे, और फिर यहाँ से नीचे भी यही कंटिन्यू होता है। ये कितना ट्रिपी लग रहा है, शेट ये देख रहे हो, दिस इज सो अमेजिंग ब्रो। तो भाई देख रहे हो पूरे हाईवे में आ चुका है मेन ऑफ रोड पार्ट, क्योंकि यहाँ से पूरी रोड जा चुकी है नीचे, बाय बाय। और ये हो चुका है इतना ज़्यादा स्लशी, और ये 800 को देखो भाई, ये निकल जाएगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। अरे 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 अरे, दम भर दिया भाई पूरे 800 ने, नाइस। इसलिए चलती है 800 आज तक, देख रहे हो। तो भाई ये हमें रास्ते में पड़ा था सिद्ध बली टेम्पल, तो अपन वहाँ रुके हैं। हनुमान जी का मंदिर है ये, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही माना हुआ, तो दर्शन कर लो सिद्ध बली टेम्पल के। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर का भी देखते हैं सीन क्या है। बहुत पुराना भाई है, देख रहे हो कैसे निशान पड़ रहे हैं पूरे मंदिर पर। नाइस, वेरी नाइस। मंदिर मंदिर के मौके नहीं छोड़ता तुम्हारा भाई, तुम्हें पता ही है, मंदिर मंदिर तो तुरंत पहुंच जाते हैं हम। और ऊपर से हनुमान जी का मंदिर आई, ये तो मौका छोड़ना ही था।
हनुमान जी का मंदिर है या ये देवी माँ है। मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ तो मेरे को एक्चुअली कुछ पता नहीं है इतना, तो अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई आई एम सॉरी। ठेस वेस भी तो पहुँच जाती है ना लोगों को। इधर नीचे भी बने हैं यार कैंप वैम सेट, रिवर साइड है। इस मंदिर के बारे में सुना था मैंने बहुत सारा ना, सिद्धवली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो इस साइड रहते हैं, हल्द्वानी की साइड, तो वो लोग बताते रहते थे, उन्हीं के मुंह से मतलब सुना है मैंने इसका नाम। तो आज दर्शन भी हो गए, आ भी गए, बाकी अब हम दर्शन कर लेते हैं फिर वापस मिलते हैं, अंदर जाने का समय है। सिद्धवली मंदिर से अपन हो चुके हैं आउट, और एक तो आज का वेदर भाई, आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, और कल का भी, दोनों दिन बहुत अच्छा वेदर था, तो अलग ही एक फन आ रहा है इस साइड घूमने में भी। और इस साइड भी अपन ज़्यादा आते नहीं हैं, आज आए हैं तो पूरा फन हो रहा है। हट जाओ ब्रो, बाकी जो है थोड़ा ब्लू दिख रहा होगा मेरा, ये टेंट की वजह से है, जो सामने विंडशील्ड पे टेंट हुआ हुआ है ना, और साइड्स के भी उतारने पड़ते हैं, तो कुछ नहीं देखेगा ये जगह। देखो अगर तुम लोग कहीं हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, तुमको पंजाबी ढाबा ढूंढना है, क्योंकि पंजाबी ढाबे पे ही खाना है, जैसे कि मैं तो पंजाबी ढाबे पे खाता हूँ, तो उसकी पहचान बताता हूँ, दूर में हाईवे से सिर्फ ये ढूंढ लेना। ये निशानी है एक पंजाबी ढाबे की, ये आ गया भाई अपने पराठे और ये बटर, देख रहे हो कैसे पिघल रहा है इस पर, बस ऐसा ही पिघल जाता हूँ मैं इस पर। चलो भाई अब खाने दो। ठीक है भाई, पराठे पराठे हम खा चुके हैं, अब हम रुकेंगे सीधा हरिद्वार, अब कहीं नहीं रुकना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है हमारे पास कैमरा मैन नहीं है, हमारे पास कैमरा मैन भी है, अज्ञात कैमरा मैन। चलो भाई चलो आ जाओ फटाफट। हाँ जी, तो सीन ये है, हम पहुंच चुके हैं देहरादून वापस, तो अब हम चलते हैं पहले घर। सैफी भाई भी अपना वेट कर रहे हैं, सैफी भाई से मिलना है, और यहाँ कुछ सीन हो गया, पता नहीं क्या सीन हो गया, पुलिस वाले खड़े। हाँ तो सीन ये है, अब घर जाएंगे, इस ब्लॉग को एडिट करते हैं पहले, तो बैठ के देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें से। अपना पहला ब्लॉग है भाई, थोड़ा प्यार दे देना इसको, शेयर कर देना, लाइक कमेंट भी ज़रूर कर देना, कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ लगी हों तो वो माफ़ कर देना अपने भाई को, ठीक है ना। और कहाँ घुसे चले आ रहा है। तो फिलहाल यही था आज का छोटा सा ब्लॉग था, ये लैंसडाउन घुमा के ले आया तुम लोगों को सबको, बाकी धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे क्या, अगर सही रहा या मन लगा रहा तो डेली ब्लॉगिंग चलती रहेगी, फिलहाल के लिए तो चल ही रही है, अब देखो कितना चलती है, चल जाएगी। वैसे यार तुम लोग प्यार या मोहब्बत दिखाओ थोड़ी वीडियोज़ को, तो डेली ब्लॉग्स ही करेंगे, क्या चक्कर है। बाकी अभी जस्ट मंडी पहुँच चुके हैं हम, अब चलते हैं अपने घर की तरफ।